नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के तिरुपुर के पल्लर में सड़क पर वैन से गिरी भैंस, कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। तिरुपुर जिले के पल्लादम राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भैंस चलती वैन से गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने उसे बचा लिया। भैंस लेकर एक आयशव वैन पल्लर्म राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरी। पल्लर्म बस स्टैंड के पास वैन से एक भैंस उछलकर गाड़ी से नीचे गिर गई। इसमें गाय का सींग टूट गया और खून बहने लगा। चलती गाड़ी से गिरने के बाद भैंस के शरीर पर कई घाव हो गए। चिलचिलाती धूप में सड़क पर पड़ी गाय दर्द से छटपटा रही थी और गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पड़ोसियों ने भैंस को गर्मी से बचाने के लिए उस पर पानी डाला। पब्लिक ने भैंस को ऑटो में ले जाने की कोशिश की, लेकिन प्रयास विफल रहा क्योंकि भैंस बहुत भारी थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों को बुलाया गया और फायर लाइन की मदद से भैंस को ऑटो में उठाकर पशु चिकित्सालय ले जाया गया। गेटलेस की जान बचाने के लिए किए गए इस विरोध प्रदर्शन के कारण पल्लर्म राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात कुछ देर के लिए बाधित रहा। तमिलनाडु से संवाददाता सुब्रमणि की रिपोर्ट।